हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों, क्लास टेंथ में अनसॉल्व पेपर हम करा रहे हैं 2018 का सेट नंबर 1, जो कि आज लेक्चर नंबर 2 है। पहला लेक्चर आप देख चुके हैं, जिसमें कि मैंने देखिए लेक्चर नंबर 2 यानी कि आज जो हम करेंगे चार नंबर के क्वेश्चन, चार नंबर के सभी प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। देखिए, चार नंबर के 8 प्रश्न आते हैं यानी कि 32 नंबर। इसको हम दो हिस्से में करेंगे, यानी कि 8 क्वेश्चन एक दिन में बताएंगे तो हो सकता है कि उतना प्रॉब्लम हो, लेकिन इसके चार चार क्वेश्चन को समझेंगे और साथ में कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। सिर्फ क्वेश्चन ही लगाना हमारा यहाँ पे उद्देश्य नहीं है, साथ में उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके फार्मूले क्या हैं, जो भी चीज़ें आएंगी वो चीज़ हम बताएंगे, ठीक है। तो आज जो हम करेंगे चार क्वेश्चन यानी कि 16 नंबर, आज का बेहद ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जो कि पहला क्वेश्चन है, छठवां से शुरू होगा, छठवां का क। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। छठवां का क, ये ऊंचाई एवं दूरी का क्वेश्चन है, ये जो है शंकु वाला है और ये जो है ये एक परमीय है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बड़ा ही चर्चित क्वेश्चन है, जिससे कि एक तरह से कह सकते हैं सदाबहार प्रश्न है, कि हमेशा जो है किसी न किसी बोर्ड, यूपी बोर्ड में तो आते ही आते हैं, ये सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड में हमेशा ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, कह रहा है दोस्तों कि एक कन्या विद्यालय की कक्षा 10 की छात्राओं के भार निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं, उनका माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने का मतलब होता है मीन, ठीक है, मीन निकालना। यानी कि इसमें देखिए भार जो दिया है किग्रा में है, 40 से 44 किग्रा भार वाले कितने छात्र हैं, 4 हैं, ठीक है। 45 से 49 भार वाले कितनी छात्राएँ हैं, छात्र हैं यहाँ पर 27 हैं। 50 से 54 41, 55 से 59 करके 13, टोटल जो छात्राओं की संख्या है दोस्तों ये 90 है, यानी कि ये सबको जोड़ेंगे। ये हमारा जो टेबल होता है ना, यही टेबल होता है हमारा फ्रीक्वेंसी का। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, हमें क्या निकालना है, भार निकालना है, माध्य निकालना है, यानी कि मीन। मीन जो निकालने के लिए जो एक फार्मूला है आप सभी को पता है, जो माध्य है, माध्य यानी कि अगर हम फार्मूले की बात करें, माध्य को हम यहाँ से एक्स बार से दिखाते हैं, ये फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई, क्लियर है। यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि इसमें एक्स आई क्या है, एफ आई क्या है, ठीक है। एफ आई को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो कि बारंबारता, सभी को पता है। लेकिन इस क्वेश्चन में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो हमारा क्लास इंटरवल है, यानी कि जो वर्ग अंतराल है ना, ये हमारा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। जैसे यहाँ से 40 से 44 हो रहा है, तो ये 44 से शुरू नहीं हो रहा है, ये 45 से शुरू हो रहा है। इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर यहाँ से जो हम टिक बताने वाले अगर उसको अप्लाई नहीं करेंगे, तो आपका ये चार नंबर पूरा पूरा जो है गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि चार नंबर में एक नंबर भी नहीं मिलेगा। ये जो सारा ये फार्मूला तब के लिए अप्लीकेबल है जब हमारा जो वर्ग अंतराल है ना वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, यानी कि जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरुआत होना चाहिए। तो 40 से 44, तो 44 से शुरू होना चाहिए, 49, ये चीज़ जो है पहले दिए हुए ये जो हमारा वर्ग अंतराल है उसको कॉन्टिन्यूस बनाएंगे, यानी कि जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरू होना चाहिए। इसको करने का जो ट्रिक है, जो क्या करते हैं उसको देखिए, इस वर्ग अंतराल को कॉन्टिन्यूस करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो हमारा ये 40 है ना, इसमें 0.5 घटा देंगे और इसमें 0.5 जोड़ देंगे, क्लियर है। यानी कि इसमें 0.40 में से आप चीज़ देखिए यहाँ पे क्या करना है, 40 में से यहाँ पे घटा देंगे 0.5, तो आप पाएंगे कि 39.5, 39.5 से इसमें क्या करना है कि अपर वाली क्लास में 0.5 जोड़ना है, यानी कि ये हो जाएगा 44.5, क्लियर है। ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। आप देखिए 45 में से 0.5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 44.5, क्लियर है। इसमें जो अपर क्लास लिमिट है ये वाला, इसमें 0.5 जोड़ेंगे, यानी कि 49 में जोड़ेंगे तो 49.5, क्लियर है। ये 50 में क्या करेंगे, इसमें कुल मिला के इस सब में जो है इस वाले यानी कि लोअर क्लास लिमिट जो है ना, इसमें सब में 0.5 घटाएंगे और अपर क्लास लिमिट में 0.5 जोड़ते जाएंगे, ये जो है आप पाएंगे ये चीज़ हो जाएगा दोस्तों 49.5 माइनस 54 में अगर हम 0.5 जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 54.5, क्लियर है। फिर 55 में से 0.5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 54.5। ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि हमारा जो क्लास इंटरवल है ना वो कॉन्टिन्यूस हो जाए।
59 में 0.5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 59.5। इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट है, 60 में 0.5 घटा देंगे ये हो जाएगा दोस्तों 59.5। यहाँ से 64 में घटा देंगे ये हो जाएगा 64.5। ठीक है, ये चीज़ तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी यानी कि छात्राओं की संख्या यानी कि इसको हम FI से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ सेम रहेगा यानी कि 4, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 27, 41, ये 13 और 5, क्लियर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो बारंबारता वाला जो टेबल है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस क्वेश्चन में यही बहुत इंपॉर्टेंट था, क्लियर है, यानी कि जो ट्रिक था, ट्रिक मैंने बता दिया कि जो लोअर क्लास लिमिट है ना, जब हमारा क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस ना हो, एक एक का गैप हो, तो लोअर क्लास लिमिट में 0.5 घटा देते हैं और अपर क्लास लिमिट में 0.5 जोड़ देते हैं। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, इसमें जो ट्रिक है, जब क्लास इंटरवल सतत ना हो यानी कि कॉन्टिन्यूस ना हो, तो लोअर क्लास लिमिट में 0.5 घटा देते हैं एवं अपर क्लास लिमिट में 0.5 जोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा काम हो गया, ये इसके बाद जो हमारा टेबल यहाँ पर तैयार होता है दोस्तों XI का। ठीक है, XI क्या होता है कि इन्हीं दोनों का एवरेज होता है, यानी कि 39.5 प्लस 44.5 बट्टा में 2 करेंगे तो XI टेबल आएगा। इसके बाद हम निकालेंगे FI इंटू XI, क्लियर है, यानी कि यहाँ पे जो चीज़ आएगा इसमें क्या है कि 39.5 और 44.5 का जो एवरेज लेंगे वो चीज़ यहाँ पर भी कर सकते हैं कि 40 और 44 का जो एवरेज होगा, यानी कि यहाँ पर देखिए 40 प्लस 44 84 बटा में दो का आधा हो जाएगा दोस्तों 42। ये हो जाएगा हमारा 42, आप ना इसका भी एवरेज लेंगे तो 42 ही आएगा, यानी कि 10 + 10/2। इसके बाद क्या है, ये 45 और 49, क्लियर है, इसका भी एवरेज ले लीजिए, यानी कि 45 + 49/2। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, साइड में कैलकुलेशन कर सकते हैं, 45 बटा में 49/2 यानी कि 9 × 5 = 14 हो जाएगा, 4 × 4 = 8 9/2 94 यानी कि 45 × 2 = 47 ये हो जाएगा 47, क्लियर है। यहाँ पे देखिए 49.5 और 54.5/2 करेंगे वही चीज़ आएगा, 40 का कर दीजिए तो 50 और ये हो जाएगा 54, इसका तो 52 आ जाएगा, क्लियर है, ये हो जाएगा 52, 55, 59 का जो औसत आएगा, क्लियर है, 55 और 59 का औसत 50 50 100 9 5 14 7 50 ये हो जाएगा 57, क्लियर है। सब में देखा जाए तो 5 5 जुड़ता जा रहा है, 42 5 47 5 52 57, अब 5 कितना हो जाएगा ये 62, क्लियर है। तो ये हमारा XI आ गया, XI क्या है कि 10 + 10/2 करेंगे तो 42 आएगा, 10 + 10 यानी कि अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाई 2, ये चीज़ हमारा टेबल तैयार हो गया XI का। ठीक ना, XI क्या है हमारा, XI कैसे निकलता है, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट बाई 2, इस चीज़ को मैंने यहाँ पे कर दिया। अब क्या करना है कि यहाँ पे FI इंटू XI तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दी, तो 4 का इसमें 42 में होगा, तो यहाँ पे 4 × 42 जो भी चीज़ आएगा लिखाएगा, यहाँ पे 27 × 47। इसके बाद जो है क्वेश्चन आसान हो गया, हम तो समझा रहे हैं ना इसलिए इतना टाइम लग रहा है। यहाँ पे दिक्कत तब हुआ जब क्लास इंटरवल हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं था, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरुआत होना चाहिए, तभी ये फार्मूला जो है अप्लीकेबल है, अदरवाइज ये नहीं है। तो 5 × 62 देखिए अब क्या करना है, इसका पूरा मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, 168, ये सबका अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद क्या करना है, सिंपली इसमें मल्टीप्लाई 27 और 47 में करेंगे 1259, 41 में 52 का मल्टीप्लाई करेंगे 21 32, ठीक है, इसका पूरा मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक है, ये चीज़ FI इंटू XI वाला टेबल तैयार हो गया। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि इस सभी को जोड़ते हैं, 168 1269, इस सबको जोड़ेंगे तो आएगा 4610। इसे हम सिग्मा FI इंटू XI, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, FI इंटू XI यानी कि FI इंटू XI के जितने भी एलिमेंट हैं सबको क्या करना, जोड़ना। यहाँ पे जो छात्राओं की संख्या है इसको FI से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे सिग्मा FI यानी कि इसको बारंबारता वाला टेबल होता है, इसको जोड़ेंगे तो 90 आएगा। तो अब जो है माध्य का फार्मूला है, जो माध्य का फार्मूला है बहुत आसान है, माध्य इजिकल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा FI इंटू XI अपान में सिग्मा FI। सिग्मा FI इंटू XI कितना है दोस्तों, 46 4 6 10, ये कितना है 90, ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 1 7
4 11, इसको आप जब डिवाइड करेंगे 461/9, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डिवाइड करने पे 51.22 आएगा। ठीक है, तो हमारा जो माध्य होगा इसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ आ गया 51.22। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट था, 4 नंबर का आपका हो गया, इसमें कई चीज़ें आपको निकल के आई कि अगर क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस है तब तो ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं, सीधे हमें ये काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, जब कॉन्टिन्यूस नहीं होता, तो ये हमारा हो गया माध्य का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, कभी कभी आंसर जो है हमारा ये वेरी कर जाता है, दशमलव के बाद वाला इधर वाला डिजिट जो है ना बदल जाता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये दशमलव के इधर वाला अंक हमेशा सेम रहना चाहिए, किसी भी बच्चे का निकले तब भी आंसर क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। ठीक है, हेलो वेलकम, अगर अब तक यूट्यूब के सबसे नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस का आपने क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर ज्वाइन करें। इसमें आपको सभी विषयों के नोट्स, वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर पेपर और बचे हुए महीने में आप किस तरीके से सभी विषयों की तैयारी करें सब कुछ बताया जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।